सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना के स्रोत। फर्स्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक चिंतन। क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ द रिसर्चर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एन एडिक्वेट हाइपोथेसिस। रचनात्मक चिंतन अनुसंधानकर्ता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक हाइपोथेसिस के निर्माण में। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, निजी अनुभव। हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं डेली लाइफ में, उन्हें हम अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को करेक्ट फैक्ट्स के साथ रिलेट करके भी एक परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू, साहित्य की समीक्षा। हम जो भी प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड लिटरेचर या बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स जो मैगजीन्स अवेलेबल हैं उसमें जाके लिटरेचर का हमें रिव्यू करना चाहिए। नेक्स्ट इज कल्चर, संस्कृति। हमारा कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसे हैं, ये भी हमारे को एक नई परिकल्पना के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं वो भी हमें एक नए हाइपोथेसिस के निर्माण में बहुत सहायता करती है। नेक्स्ट इज एनालॉजी, समानता। जैसे कि हमें पता है कि जैसे एनालॉजी में हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं जो कि दो सिचुएशंस के बीच में होती हैं, और ये भी हमें एक नई हाइपोथेसिस के निर्माण में सहायता करती हैं। इनसाइट, इनसाइट ऑफ द रिसर्चर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ए गुड हाइपोथेसिस। जो अंतर्दृष्टि होती है अनुसंधानकर्ता की, वह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है उसका एक नई परिकल्पना के निर्माण में। प्रीवियस रिसर्चेस, हमें यह भी देखना होता है पूर्व अनुसंधान कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टडी है उसमें पहले क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हमारी जो करंट प्रॉब्लम है उसमें। सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज। समाज में हमेशा बदलाव होते रहते हैं और वह भी नई परिकल्पना के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट इज फोक टेल्स, हमने अपने दादा दादी से बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी थी, वह भी हमारे दिमाग में बसी हुई हैं और यह भी एक नई परिकल्पना के निर्माण में अति आवश्यक होती हैं और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में हेल्प करती हैं।